हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अवर टूडेज टॉपिक इज नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम को हम राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी कह सकते हैं। नेशनल एम्बलम क्या होता है? सिंबल है किसी भी नेशन का, किसी भी कंट्री का जो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको हम नेशनल एम्बलम कहते हैं। नेशनल एम्बलम वर्क एज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर ए कंट्री। किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल बनाया जाता है जो कि उस कंट्री की स्पेशल ट्रेडिशन या कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। इट जनरली डिपिक्ट्स द स्पेसिफिक ट्रेडिशन एंड कल्चर। अब जैसे इंडिया है, इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है वो है सारनाथ लायन कैपिटल है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। तो हम सबसे पहला करेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उसको उसका नेशनल एम्बलम है कैंगरू। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे कैंगरू का मीट खाया जाता है, वहाँ पे कैंगरू सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इन्होंने कैंगरूज़ को अपनी कंट्री का नेशनल एम्बलम बना दिया। इसी तरह फ्रांस जो है, ये देखो कैंगरूज़ कैसे होते हैं, साथ साथ में इसकी पिक्स भी दे रखी हैं, ये देखो कैंगरू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसी तरह जैसे देखो जापान, जापान का है क्राइजेंथेमम। क्राइजेंथेमम क्या होता है? एक फ्लावर है जो कि जापान को रिप्रेजेंट करता है। जर्मनी में कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर जो है जर्मनी का नेशनल एम्बलम है। इसी तरह से इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है वो है सारनाथ लायन कैपिटल। देखो ये बनारस के नज़दीक पड़ता है। ये अशोका पिलर्स जो थे ये बनाए थे अशोक ने। अशोक जो था एक योद्धा था, वीर योद्धा था, उसने क्या किया था, पिलर्स बनवाए थे। पिलर्स के ऊपर उसने ये अपनी कारीगरी करवाई थी। इसमें क्या होते हैं, तीन जो लायंस है, 1, 2 एंड 3, थ्री लायंस जो हैं वो तो आपको सामने से दिखाई देते हैं, और एक जो लायन है इसके पीछे की तरफ होता है यहाँ पे, जो कि हिडन होता है, जो आपको दिखाई नहीं देता। यहाँ पे उसने बीच में अशोक चक्र बनवाया। अशोक चक्र में जैसे फ्लैग के ऊपर होता है ना 24 आर्क्स को रिप्रेजेंट करता है, इसमें 24 लाइन्स होती हैं, और एक तरफ यहाँ पे बुल होता है, जैसे मेल का फीमेल काऊ होती है और मेल बुल होता है, एक तरफ इसके बुल होता है और एक तरफ इसके हॉर्स होता है, और नीचे यहाँ पे लिखा होता है सत्यमेव जयते। इसको 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था इंडिया के संविधान के अंदर, इसको लाया गया था कि ये इंडिया का नेशनल सिंबल बनेगा। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होनी ज़रूरी है, बिकॉज़ ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम इंडिया के अंदर रहते हैं। इसके बाद है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का रिप्रेजेंटेशन सिंबल है रोज़, ये इसका नेशनल एम्बलम है। इसके बाद है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का जो सिंबल है वो है गोल्डन रोड। गोल्डन रोड क्या होता है, एक प्लांट होता है, प्लांट के ऊपर येलो कलर के ऐसे फ्लावर टाइप लीव्स होती हैं, लगते ये फ्लावर्स होते हैं, होती ये लीव्स टाइप हैं, तो इसको हम गोल्डन रोड कहते हैं। और लेकिन इसका ना यहाँ पे तो सिर्फ गोल्डन रोड दे रखा है, लेकिन जब आप इसको नेट पे चेक करोगे ना अच्छे से, उसमें आपको इसमें बाल्ड ईगल भी मिलेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ये देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का गोल्डन रोड भी है लेकिन बाल्ड ईगल। बाल्ड का मतलब होता है गंजा, जिसके ऊपर ज़्यादा फेदर नहीं होते। बाल्ड ईगल जो है वो भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसके नेशनल सिंबल दो हैं, लेकिन नेशनल एम्बलम दो हैं, लेकिन जो ज़्यादा चलता है वो गोल्डन रोड ही है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। कनाडा जो है, कनाडा कंट्री का नेशनल एम्बलम है वाइट लिली, क्योंकि वहाँ लिली के फ्लावर्स होते हैं, और जो फ्रांस है उसका है ओनली लिली। सो दीज आर द नेशनल सिंबल्स और नेशनल एम्बलम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। यू हैव टू लर्न इट केयरफुली। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।